अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मरल कब लगते हैं और कौन से टाइम पे जो बेस्ट टाइम होता है उनका पकड़ने का, सीज़न कब आता है और 12 महीने के अंदर में टेम्परेचर के हिसाब से हम लोग स्नेकहेड फिशिंग फ्रॉक के ऊपर में कब कर सकते हैं और क्लियर वाटर के टाइम पे स्पून वगैरह कब चलाना चाहिए, इसका सुबह का टाइमिंग, शाम का टाइमिंग, टोटल नॉलेज आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह दूंगा। जो मेरे बेस्ट नॉलेज में है वो आपको दूंगा और ताकि आप जो है वो बेस्ट टाइम पे जाए और बेस्ट अटैक के ऊपर में आप मरल पकड़ सके। सबसे पहले मरल पकड़ने के लिए जो है वो हवा, विंड का देखना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड, जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए और मरल कब अंडे देती है और कब पतले पानी में और कब गहरे पानी में होती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले जनवरी से। जनवरी का जो महीना होता है उस महीने के अंदर में मरल जो है वो अंडे दे चुकी होती है और छोटे छोटे उनके बच्चे उनके साथ में होते हैं, लेकिन ये गहरे पानी में होते हैं क्योंकि गहरे पानी के अंदर में होने की वजह से मरल बहुत कम लगती है और हवा भी चालू रहती है, ठंडी भी होती है। तो इस टाइम पे जो है वो मरल का अटैक उतना ख़ास नहीं होता है, लेकिन जैसे ही फरवरी स्टार्ट होता है तो मरल के बच्चे जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और मरल घूमना शुरू करती है। लेकिन उस टाइम पर भी आपको अटैक नहीं होगे, अटैक होगे लेकिन छोटी छोटी जगह पर, कुछ कुछ तालाबों में होंगे और सब जगह नहीं होगे। जहाँ थोड़ा सा पानी क्लियर हो जाए आपके लिए और भाजी निकलना आपको दिखना चालू हो जाए कि वहाँ पे घास आ गई है, थोड़ी थोड़ी पानी के ऊपर में घास दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे अटैक हो जाएगी। जैसे मेरे लास्ट वीडियो के अंदर में आपने देखा होगा, फरवरी का जो वीडियो था उसके अंदर में हमने 2 मरल मारे थे। वो जो टाइमिंग होता है उस टाइम पर, शाम के टाइम पर अटैक ज़्यादा होते हैं मेजरली। जनवरी के टाइम पर आपको दिन भर में अटैक कभी भी हो गए, लेकिन फरवरी के स्टार्ट से मार्च और उसके बाद के जो महीने होते हैं वो सब शाम के शिकार और सुबह के शिकार के होते हैं। फरवरी में सुबह में शिकार नहीं होता है, शाम के टाइम पे अटैक हो गए क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर कम से कम हमारे यहाँ महाराष्ट्र के अंदर में 12 डिग्री होता है और ज़्यादा जो होता है वो 31 तक जाता है, 32-33 तक किया जाता है। उस टाइम पर यह होगा कि जो हवा है वो हवा ज़्यादा रहेगी, तो शाम शाम में हवा भी कम हो जाती है और दिन भर की जो गर्मी है, गर्मी की वजह से स्नेकहेड अटैक ज़्यादा करता है और उसका जो खून है वो ठंडा होता है। आपको पिछले वीडियो में भी बोला था मैंने कि मरल मछली का जो खून है वो ठंडा होता है और उसका जो मूवमेंट है वो गर्मी के टाइम पे ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जैसे हम लोगों का खून जो है गर्म है तो हमें दुपकाले के अंदर में खून गर्म होने की वजह से और गर्मी होने की वजह से भूख कम लगती है, वैसे ही सेम मछली के साथ में होता है। मछली ज़्यादा तब लगती है जब उसको ज़्यादा भूख लगती है, तब वो ज़्यादा घूमना शुरू करती है। और जैसे ही नेक्स्ट मंथ में हम लोग जाते हैं वो होता है अप्रैल, मई और जून। इस टाइम पे जो एंडिंग का पीरियड होता है ये होता है सीज़न का पीरियड। जैसे ही मार्च आपका स्टार्ट हो जाएगा, मार्च के होली हो जाएगी, होली होने के बाद में टेम्परेचर गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे मरल का अटैक भी ज़्यादा हो जाता है और वो कहलाता है फुल सीज़न टाइम। फुल सीज़न टाइम के ऊपर में आप चाहे शाम में जाए या सुबह में जाए आपको अटैक होगी, लेकिन मेजर दिन के टाइम, ज़्यादा धूप के टाइम थोड़े से अटैक कम हो जाते हैं, लेकिन शाम में और सुबह में बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं। जैसे ही दुपकाले की एंडिंग आती है, मई का टाइम आता है, जून का टाइम आता है, उस टाइम पे एग्स कलेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। मरल के बच्चे जो है वो कलेक्ट करना चालू कर देते हैं तालाब वाले, और उसके बाद में जैसे ही वो सीज़न आपका थोड़ा सा एंड होता है, पानी नया होता है, तो पानी नए के टाइम पर बेट फिशिंग करते हैं हम लोग। जैसे जो छोटे डॉग होते हैं, छोटे मरल टाइप के स्नेक हेड्स, उनके ऊपर में, उसके बाद में खेकड़ों के ऊपर में स्टार्ट होता है, क्रैब के ऊपर में फिशिंग होती है दावन लगा के या खूटी लगा के, गल लगा के। उसके बाद में थोड़ा सा वो जो मटमैला पानी है वो अगर ख़त्म हो गया है, मटमैला पानी ख़त्म होने के बाद में ये होगा कि आपका जो सीज़न टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है फिर से फ्रॉक फिशिंग का। फ्रॉक फिशिंग के ऊपर में बहुत ज़्यादा बढ़िया अटैक होते हैं चढ़ते पानी के अंदर में। चढ़ते पानी के अंदर में सुबह शाम आप कभी भी खेलिए, आपको अटैक होगा बरसात में। बरसात का जो पहले स्टार्ट होता है 10-15 दिन 20 दिन, उसके अंदर में अटैक हो गए। उसके बाद में जब पानी बढ़ जाता है और मैला होना स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा और पूरी जगह बन जाती है, तो नए घर बनाना स्टार्ट होता है मरल का। उसके बाद में जब जैसे ही आपका जून का पीरियड एंड हो जाएगा तब आपको मरल लगना स्टार्ट हो जाएंगी, 3 महीने तक के मरल लगेगी। और ठंडी में जब इंटर होते हैं आप, तो ठंडी के स्टार्ट में मरल कम लगती है, फिर थोड़ा सा वो पीरियड 10-15 दिन का पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद में आपको मरल फिर से लगना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये होता है दिन के टाइम,
जैसे ही ठंडी बढ़ जाएगी आपको दिन के टाइम पे मरल लगना स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉग फिशिंग के टाइम पे। और दिन के टाइम में आप दिन भर कभी भी खेलिए ठंडी के पीरियड में आपको मरल लगेगी, लेकिन जैसे ही वापस से हम लोग दिसंबर में आएंगे, दिसंबर में फिर से अंडे का पीरियड हो जाता है और दिसंबर के टाइम पे दिन भर में अटैक्स काफ़ी कम हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम होता है बड़े जो मरल होते हैं 4 किलो 5 किलो के, वो आपको अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वही अपने घर बनाने के इसमें और घूमने के इसमें जो है वो एक एक बड़े बड़े गड्ढों के अंदर में बैठे हुए थे। तो आपको फाइंड करना है स्पॉट और उस लोकेशन के ऊपर में अटैक आपको काफ़ी बढ़िया होगी। और उस टाइम पे आई थिंक जो हम लोग कहते हैं मोल क्रिकेट घोई वगैरह वो भी मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो आप लाइव बेट पे भी शिकार कर सकते हो, लाइव बेट के ऊपर काफ़ी बढ़िया होगे। समर सीज़न जो होता है फ्रॉग फिशिंग के लिए और रेनी सीज़न, ये दो सीज़न ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर में आप कभी भी घर पे मरल मछली ज़रूर लेके आओगे। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको जगह कैसी सेलेक्ट करना चाहिए इन सब सीज़न के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द